हेलो गेमर्स, दिस इज जीरो ब्रॉट यू बाय IGMA एंड आज हम पीएस शोकेस को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट राइट टू इट गाइस। सो शोकेस स्टार्ट इसी गेम से हुआ था एंड ऑल्दो गेम ट्रेलर में ऐसा गेम प्ले नहीं था, बट ये गेम एक कोऑप हाइस्ट गेम होने वाली है एज पर सम अदर सोर्सेज एंड शायद कुछ क्लास बेस्ड कैरेक्टर्स भी हो। गेम की कोई रिलीज डेट एज सच नहीं दी अभी तक, सो दिस गेम इज स्टिल इन द शैडोज। 2015 की निकली Helldivers एक co-op शूटर है from Arrowhead Studios and is getting a sequel named Helldivers 2। गेम एक थर्ड पर्सन शूटर है with very unique dark tone humor and just like the first game and trailer में हम देख ही सकते हैं कि गेम का स्कोप काफी इंक्रीज होने वाला है with new locations, enemy weapons, etc। गेम honestly बहुत कूल लग रही है and हो सकता है एक बहुत अच्छी एक्शन गेम हो। Immortals of Avium एक न्यू IP है from the developers Ascendant Studios। गेम एक रिवील एंड गेम प्ले को दिखाते हुए ये एक फर्स्ट पर्सन एक्शन गेम है जहाँ पे हमें शूटिंग जैसा ही फंक्शन परफॉर्म करना है बट विथ मैजिक। ऑनेस्टली ये गेम बहुत ही कूल लग रही है एंड हमें थोड़ी सी घोस्ट वायर टोक्यो जैसी फील दे रही है। लेट्स सी। सो दिस गेम इज गोना रिलीज ऑन July 20th, 2023। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। Runner 2 अनाउंस हुई है एज यूजुअल हाई स्पीड एक्शन कॉम्बैट एंड पार्कोरिश एलिमेंट्स देखने को मिलते हुए, बट लुक्स लाइक शायद न्यू गेम में व्हीकल्स या व्हीक्यूलर कॉम्बैट हो। गेम इज कमिंग समटाइम इन लेट 2023। Phantom Blade Zero एक थर्ड पर्सन हैक एंड स्लैश गेम है विद माइनर RPG एलिमेंट्स एंड ऑनेस्टली जैसे ही इसका ट्रेलर स्टार्ट हुआ पीपल एट IGMA एकदम से काफी ध्यान से देखने लगे, बिकॉज ये गेम थोड़ी सी Sekiro एंड Ghost of Tsushima की मिक्स जैसी लग रही थी विद इट्स सुपर स्लीक कॉम्बैट एंड कुंग फू प्लस स्टीमपंक एस्थेटिक वाइब। ये गेम कुछ बहुत कूल हो सकता है। द गेम इज सेट टू रिलीज समटाइम दिस ईयर। फ्रॉम आर्टिस्ट दैट मेड गेम्स लाइक Abzu, Pathless and Journey कम्स एक और काफी यूनिक लुकिंग गेम Sword of the Sea। गेम काफी ज्यादा जर्नी टाइप फील दे रही है विच इज गुड एज जर्नी एक बहुत ही अमेजिंग गेम है। गेम प्ले ट्रेलर में प्लेयर कैरेक्टर सिर्फ क्रूज अराउंड करता दिखता है इन दिस ब्यूटिफुल लैंडस्केप्स एंड और कुछ ज्यादा नहीं। गेम की रिलीज डेट इज नॉट येट अनाउंस्ड गाइस। क्रो टीम की गेम Talos Principle रिलीज इन 2014 एक मास्टरपीस पजल गेम जो किसी भी नॉर्मल इंसान का ब्रेन मेल्ट करने के लिए सफिशिएंट है। Talos Principle 2 जो कि ओरिजिनली टीज हुई थी 2021 में फाइनली शायद प्लेयर्स को इस ईयर खेलने को मिल जाए। Talos Principle एक काफी चैलेंजिंग पजल गेम है जिसमें काफी फिलोसॉफिकल नरेटिव एलिमेंट्स है एंड वी कांट वेट टू सी ये सीक्वल क्या न्यू चीजें इंट्रोड्यूस करती है। ये गेम भी प्लेयर्स को इस ईयर के एंड तक खेलने को मिल सकती है शायद, एज कोई फिक्स डेट नहीं है अनाउंस्ड अभी तक। Square Enix की न्यू 4v4 पार्टी शूटर गेम है Foam Star एंड आई नो अगर आप सोच रहे होंगे कि ये गेम शायद देखी देखी सी लग रही है तो यस यू आर राइट, क्योंकि इट सीम्स लाइक Square Enix क्वाइट लिटरली Nintendo की Splatoon गेम्स को रिप ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वी कांट से फॉर नाउ कि गेम फाइनली टू प्ले कैसी होगी, बट अगर ये एक्चुअली Splatoon जितनी अच्छी गेम हो तो वेल ये काफी कूल हो सकता है। Metal Gear Solid 3 को Metal Gear Solid सीरीज में बेस्ट गेम माना जाता है। काफी प्लेयर्स तो क्वाइट लिटरली इसको बेस्ट गेम ऑफ ऑल टाइम भी बोलते हैं। एज फॉर इट्स टाइम इट वॉज अ वेरी इनोवेटिव गेम एंड हैड अ वेरी शार्प एंड अमेजिंग स्टोरी शोइंग द ओरिजिंस ऑफ द बिग बॉस। पहले भी रूमर्स उठते थे, अब आज सीरीज में एक बड़ा फाइनली कंफर्म हो चुका है कि कोनामी इज वर्किंग हार्ड ऑन MGS3 रीमेक एंड ऑल्सो MGS कलेक्शन वॉल्यूम 1 विच विल इंक्लूड द ओरिजिनल ट्रायोलॉजी। ओके नाउ हियर इज समथिंग रियली रियली कूल। Alan Wake 2 का गेम प्ले रिवील। फैंस ऑलरेडी न्यू फॉर सम टाइम कि रेमेडी काम कर रही है ऑन एन Alan Wake सीक्वल एंड फाइनली शोकेस में प्लेयर्स को एक गेम प्ले रिवील देखने को मिला है। लाइक द फर्स्ट गेम ये भी एक थर्ड पर्सन शूटर हॉरर गेम है एंड बाय द लुक्स ऑफ इट सिमिलर स्टाइल ऑफ ओवर द शोल्डर हॉरर एंड डार्कनेस यूज करते हुए टेंशन बना कर रखेगी। Alan Wake 1 एक बहुत ही कूल स्टोरी थी एंड वी आर रियली वेटिंग टू सी दिस न्यू गेम एंड स्टोरी को कहाँ लेकर जाती है। Well, another year and another Assassin's Creed game. This time it is called Assassin's Creed Mirage. Although काफी लोग gameplay trailers and reveals को देखकर बोल रहे हैं शायद Ubisoft इस game के साथ series को reboot दे and original Assassin's Creed के parkour based gameplay loop को revive करे। अगर ऐसा हुआ तो ये एक amazing चीज होगी as we all know कुछ time से Assassin's Creed games have just lost their original feel of the series, for example the RPG elements in Assassin's Creed Origins. गेम के प्री ऑर्डर्स ओपन है एंड विल रिलीज ऑफिशियली ऑन 12th October 2023।
Towers of Agazwa is a new action-adventure city-builder game जो कि सेट है एक यूनिक फैंटेसी वर्ल्ड में जहां प्लेयर्स को रीबिल्ड करनी है a civilization and a natural ecosystem. Trailer shows early beta footage जहां पे प्लेयर्स different structures बिल्ड करते हुए देखे जा सकते हैं and nothing much is known right now. Maybe a game काफी यूनिक टेक हो सकती है on the city-builder genre and is set to release sometime in 2024. Capcom Games की एक नॉट सो पॉपुलर गेम टाइटल में से है Dragon's Dogma, जो कि पॉपुलर तो नहीं है एज देयर अदर टाइटल्स, बट यस क्रिटिक्स एंड फैन बेस से इसको काफी प्रेजेस मिले हैं. एंड फाइनली आफ्टर मेनी लेंथी इयर्स प्लेयर्स को इस गेम का सीक्वल देखने को मिला विद प्लेंटी ऑफ गेम प्ले फुटेज, क्रीचर्स, ड्रैगन्स एंड मच मोर. ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के डेवलपमेंट के बाद लेट्स सी ये गेम ऐसा क्या न्यू इनोवेशन ला सकती है टू द Dragon's Dogma फ्रेंचाइज. Bungie, the original developers of Halo, have revealed a new marathon game in works. ये एक first person sci-fi game होने वाली है, जो कि एक direct sequel नहीं होगी पुरानी game के series में, but is set to be in the same universe as them. Game एक PvP focused game होने वाली है, and शायद इसमें कोई single player campaign ना हो, but अभी तक कुछ clear नहीं है. Also to mention, इस पूरे showcase में ये one of the सबसे coolest trailer था, with its abstract visuals and pulsating music. ये बंजी का एक न्यू गेम होने वाला है आफ्टर ऑलमोस्ट 10 इयर्स एंड वी कांट वेट टू सी इट. इट्स नॉट रियली न्यूज कि स्ट्रीट फाइटर 6 इज अबाउट टू रिलीज ऑन जून 6 एंड पीएस शोकेस में भी प्लेयर्स को एक और कंफर्मेशन मिल गया फॉर द सेम. इस बार हमें एक न्यू ट्रेलर मिला नेम्ड योर स्टोरी, जो बेसिकली हाईलाइट करता है ऑफ द स्टोरी मोड एंड हाउ प्लेयर्स विल गेट टू सी ऑल द लेजेंड फाइटर्स ऑफ द सीरीज थ्रू आउट द स्टोरी मोड. अगेन नथिंग न्यू, बट एनीवे वी आर स्टिल हैप्पी टू सी मोर ऑफ SF6 एंड कांट वेट टिल जून 6 टू गेट आवर हैंड्स ऑन द गेम. Once again, nothing new here. Players already know कि Final Fantasy का next main installment, Final Fantasy 16, is under development. And showcase में भी Square Enix ने इसको confirm किया है with a brand new gameplay trailer titled Salvation. इस gameplay trailer में players different creatures के साथ fight encounters देख सकते हैं and also कुछ बहुत ही amazing moves and combat gameplay भी देखने को मिलता है. Players ये game globally enjoy कर सकते हैं on 22nd June 2023. Tower of Fantasy एक open world sci-fi game है जो होटा स्टूडियोज ने बनाई है. आज हमें इसके ब्राइट कलरफुल लैंडस्केप्स और फास्ट पेस कॉम्बैट का एक ग्लिम्प्स मिला है एंड वी कैन नॉट वेट टू ट्राई इट आउट फॉर आवरसेल्व्स. फाइनली AAA गेम्स को फिनिश करने के लिए आते हैं स्पाइडरमैन 2 पे, जो बेसिकली हाईलाइट थी फॉर द पीएस शोकेस एज ये सबसे आखिर में दिखाई गई थी एंड ये ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंचाइज है फॉर सोनी. वैसे तो हमें इस गेम की रिलीज डेट देखने को नहीं मिली थी ऑन द पीएस शोकेस, बट वी डिड गेट अ लेंथी गेम प्ले शोकेस जिसमें दोनों पीटर और माइल्स देखने को मिलते हैं विद देयर न्यू मूव्स एंड स्पेशली पीटर का नया मूव सेट जो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यू सिम्बियोट सूट, जिसको वी ऑल रिमेंबर एज द ब्लैक स्पाइडी सूट फ्रॉम स्पाइडरमैन 3. इस ट्रेलर में एक न्यू विलन भी रिवील किया गया है जो है क्रैवन द हंटर. इंडी गेम्स पे आते हुए फ्रॉम द क्रिएटर्स ऑफ द गेम ग्रीस हियर कम्स अनदर हार्टफेल्ट स्टोरी बेस्ड गेम जिसके बारे में अभी ज्यादा तो नहीं पता है एंड ये भी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली कैसा गेम प्ले होने वाला है, बट रिवील ट्रेलर को देखकर ही समझ आता है कि अगेन एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी बेस्ड गेम होने वाली है. A Cat Quest Pirates of the Caribbean is the latest open world action RPG game in the world winning series of Cat Quest games. To be honest, hame is series ke bare mein zyada kuch nahi pata hai, but from the looks of it ye kafi fun and charming game ho sakti hai. The game is set to release sometime in 2024. Tabahi. Well, that's what it seems in this new game Teardown, जहाँ पे प्लेयर क्वाइट लिटरली पूरी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एंड बड़े से बड़े स्ट्रक्चर को लेवल करके जमीन पे ला सकते हैं. वंस अगेन कोर लूप इस गेम का अभी तक नहीं पता है, बट सीरियसली डिस्ट्रक्शन इस गेम में बहुत कूल लग रही है. एक न्यू गेम नेम्ड रेवेनेंट हिल डेवलप्ड बाय द ग्लोरी सोसाइटी कैन बी सीन इन द शोकेस. इस गेम के बारे में अभी हम एज सच कुछ नहीं जानते हैं, एज रिवील ट्रेलर में भी सिर्फ एक ब्लैक कलर की कैट बस वॉक करते हुए दिखती है इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स एंड नथिंग मोर. एक साइफाई साइकेडेलिक गेम जो पार्ट मीट्रियड एंड पार्ट हॉलो नाइट जैसी लग रही है, विच कुड बी रियली इंटरेस्टिंग. इस गेम का आर्ट स्टाइल बहुत ही स्टैंड आउट करता है फ्रॉम एनी अदर गेम सीन सो फार एंड वेल फन फैक्ट इसके पीछे सेम आर्टिस्ट है फ्रॉम एज द गेम फॉर हॉटलाइन मायामी, विच अगेन हैज एन अमेजिंग आर्ट स्टाइल एज वेल. Everyone knows Five Nights at Freddy's is one of the best puzzle horror game series.
And what could be more terrifying than experience this game in VR? We'll get ready as later 2023 mein players ko exactly yahi milne wala hai. The Resident Evil 4 remake को already बहुत players and critics one of the best release consider कर रहे हैं इस year का अभी तक. And to top it off, Capcom is releasing Resident Evil 4 VR mode जो कि essentially same game होगी but in the VR. Honestly, ये बहुत बहुत crazy होने वाला है and we can't wait to fight off zombies on our PSVR. Arizona Sunshine 2 VR का trailer honestly one of the funniest था of all the trailers in the showcase. Game set है एक post-apocalyptic zombie environment में यहाँ players have to get creative in finding new ways to get rid of these zombies. Game की release date नहीं पता है, but it will release in late 2023. So जब इस game का gameplay start हुआ, तो we were really really hooked as game देखते हुए we were really hyped. Crossfire Sierra Squad एक tactical combat shooter game है, जो कि काफी अच्छी लग रही है देखने में. With really cool sparks and particle effects and solid gunplay, ये में भी नेक्स्ट ईयर को हो सकती है वीआर के लिए. डेव्स ने अभी तक रिलीज डेट नहीं कंफर्म की है और ना कोई और रिलीज विंडो हिंट किया है फॉर नाउ. Synapse VR is another shooter game for PSVR जो कि रियलिस्टिक मॉडर्न शूटर नहीं बल्कि लुक्स लाइक अ लिटिल बिट लाइक सुपर हॉट मिक्स विद टेलीकिनेसिस पावर्स. प्लेयर्स कैन सी इन द गेम प्ले दैट शूटिंग के अलावा वी विल हैव सम सॉर्ट्स ऑफ पावर्स जिससे हम एनिमीज एंड चीजों को मूव कर सकते हैं जस्ट लाइक टेलीकिनेसिस. द गेम विल बी अवेलेबल ऑन PSVR फ्रॉम जून 4. सबकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रिदम बेस्ड वीआर गेम बीट सेबर इज नाउ ऑन PSVR 2 एंड विद इट्स लॉन्च प्लेयर्स कैन आल्सो गेट अ वेरी स्पेशल क्वीन म्यूजिक पैक विद ओरिजिनल क्वीन सॉन्ग्स. एंड फाइनली सोनी ने दो न्यू हार्डवेयर आइटम्स भी रिवील किए हैं विच इंक्लूड प्रोजेक्ट क्यू एंड ईयर प्लग. प्रोजेक्ट क्यू जो कि एक स्ट्रीमिंग डिवाइस है विद एन 8 इंच HD डिस्प्ले. PS5 ओनर्स इस डिवाइस को यूज करके अपनी फेवरेट गेम्स कभी भी एंड कहीं भी स्ट्रीम कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम देयर मेन कंसोल एज लॉन्ग एज दे हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन. सोनी ने फाइनली ये स्टेप लिया है इन डायरेक्ट कंपेटिटिव रिस्पॉन्स टू निंटेंडो एंड Xbox गेम पास क्लाउड गेमिंग सर्विस एंड मे बी क्या पता हम नेक्स्ट ईयर तक गॉड ऑफ वॉर एंड स्पाइडरमैन 2 इस पे खेल रहे हो स्ट्रीम करके. द PlayStation ईयरबड ये ईयरप्लग्स हमारे गेमिंग एक्सपीरियंस को ज़्यादा होलिस्टिक बनाएंगी और आप इससे अपने मोबाइल डिवाइस से भी कनेक्ट कर सकते हो. इसके और कोई स्पेक्स या डिटेल्स तो हमें नहीं दिखाए हैं इन द शोकेस बट ये एक न्यू वायरलेस ईयरबड्स है फ्रॉम सोनी विच लुक्स एब्सोल्युटली इन थीम विद द PlayStation 5 कंसोल. सो गाइज दैट वॉज द PS5 शोकेस एंड वी होप दैट यू लाइक दिस कंडेंस्ड वीडियो. अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू IGMA. Zero लॉगिंग आउट फॉर नाउ.